एक महिला के उत्पीड़न अत्याचार के खिलाफ मुकदमा लिखवाने वाले उसके बाप के साथ आया था, उसका गुनाह उतने मार मार के पकड़ती है। 307-302 नंबर की अभी उनके गुर्जा ऐसे लगे उनका जिला बदल हुआ, वो सामने बैठ के आपके साथ में हमको जानने का इतना अधिकार है कि नहीं कि आप इसको क्यों लाया है, कितने काहे लिए बंद किया, ये तो जान सकते हैं कि नहीं जान सकते। सरकार पूरी तरह से जितने थाने हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चला रही है। चूंकि मैं क्षेत्र का विधायक हूं, कोई घटना होगी तो हम लोगों को जानने का थाने पे अधिकार है। हमें कुछ शिकायत मिली कि कुछ लोगों को इन्होंने थाने पे ले आके बैठाया है, मैं जानना चाहता था। तो 7 बजे से लगाकर अब तक 50 फोन हमने इनके फोन पर किया, अब फोन को नहीं उठाया। हमने कप्तान साहब से भी कहा, हमसे उन्होंने कहा कि हम भी कहते हैं वो आपसे बात करें, तो इन्होंने बात नहीं किया। तो हमने उनको भी बताया कि हम 10 मिनट इंतजार और करेंगे, क्या 10 मिनट बात करेंगे, नहीं तो फिर हम आए सीधे आके थाने के, हम चलेंगे वही पूछेंगे क्या कि क्या कारण है। थाने पे कोई आदेश आया है कि समाजवादी पार्टी के लोग हों या विरोधी दल के लोग हों, यदि कोई बात जानना चाहते हैं तो आप बात नहीं करोगे। थाने के लोगों को मनाही है कि हमारा अधिकार है किसी चीज़ को जानने का, आप पब्लिक का अधिकार है, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, डाटा है, मैं तो पूरा मोबाइल से निकलवाऊंगा अभी। 7:00 से इतने टाइम तक फोन हुए, इन्होंने नहीं उठाया। जब यहाँ आए तो पता लगा कि एक आदमी को जो एक महिला के उत्पीड़न अत्याचार के खिलाफ मुकदमा लिखवाने वाले उसके बाप के साथ आया था, उसका गुनाह उतने था, जिसको फर्जी मुकदमे फंसाने का प्रयास, ये जो आज लोग पीछे लगे हैं कल भी लगे थे यहाँ के पुलिस के लोगों ने 97-98 में उसी व्यक्ति को 72 पुड़िया हीरोइन में चलान किया था फर्जी मुकदमा लाद। आज भी जब हम लोग थाने आए तो उसको लेके दरोगा यहाँ से फरार है। तो हम लोग जानना चाहते हैं, इनके अधिकारियों से जानना चाहते हैं कि ठीक है यदि उस व्यक्ति का कोई गुनाह है तो आप फांसी दे दो चलेगा, लेकिन क्या अधिकार हम लोगों को ये जानने का नहीं है कि हम अपने थाने के इंस्पेक्टर से बात नहीं कर सकते हैं।